नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। देखो हम लोग जो कि मई मंथ का जो आपका विजन की मैगजीन था ना वो कवर कर रहे थे, इसी क्रम देखो हमने आपका इकोनॉमी का टॉपिक देख रहे थे, राइट। इकोनॉमी में देखो हमने 6 टॉपिक देख लिए आपका, ये COVID-19 का जो IP वेवर वाला टॉपिक था यहाँ तक हमने देख लिया था दो पार्ट में। आज हम देखो FPI देखेंगे, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में देखेंगे और पल्सेस के बारे में देखेंगे। इससे देखो आपका जो इकोनॉमी वाला टॉपिक है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक आज का क्या है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि देखो फूड प्रोसेस जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल को आरंभ किया है। किसके लिए, जो आपका एक स्कीम चल रहा था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, क्या स्कीम है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबंध में प्रोत्साहन योजना। इसके लिए देखो एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया ताकि इस स्कीम को और प्रमोट किया जाए। इस वजह से आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कि न्यूज़ में था। अब थोड़ा सा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, एक सेकेंड आप समझ लो कि क्या है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्या है पहले ये जान जाओ, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं देखते हैं। तो बोला जा रहा है कि MoFPI जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनके अनुसार बताया जा रहा है, यदि कृषि पशुपालन या मत्स्य पालन के किसी भी कच्चे उत्पाद को इस तरह से रूपांतरित किया जाता है कि उसके मूल भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, रूपांतरित उत्पाद खाद्य योग्य होता है और उसका वाणिज्यिक मूल्य होता है, तो वह FPI के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब मान लो कोई कृषि उत्पाद है, राइट, मान लो जैसे आलू है, ठीक है, कोई कृषि उत्पाद है आलू है, अब उसको इस तरह से प्रसंस्कृत किया जाए जिससे जो देखो उसका जो भौतिक गुण वो परिवर्तित हो जाए। जैसे कहने का मतलब आलू से अगर जैसे अभी देखते हो मार्केट में जो चिप्स वगैरह बिकते हैं, लेज वगैरह हो गया, जो भी चिप्स वगैरह बिकते हैं, तो वो क्या है आलू से बने हुए हैं, तो यानी इस आलू को अब प्रोसेस करके जो कि चिप्स में बदल दिया गया। अब देखो इसका क्या फ़ायदा है, इसका तो देखो दोहरा फायदा है। दोहरा फायदा कैसे है, मान लो अगर ये आलू है आपका, इसको मान लो ऐसे हमने चिप्स में परिवर्तित कर दिया, ठीक है, तो एक तो ये जो आलू की सेल्फ है, लाइफ है, जो लाइफ है इसकी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो चिप्स काफ़ी 4 महीने 6 महीने तक रहेगी, पर आलू को आप ऐसे छोड़ दो तो 4 महीने तक रहेगा नहीं, वो सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। यानी जो हमारा जो खाद्य पदार्थ है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप थोड़ा सा इसको प्रसंस्कृत कर दो ना तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी इसका मूल्य बढ़ेगा। अगर 1 किलो आलू आप देखो 11 रुपये इस टाइम शायद चल रहा है, 11 रुपये KG 1 किलो आलू है, तो फिर आप देखो यहाँ पर जो चिप्स है आप देखो 5 रुपये का कितना मिलता है, 25 ग्राम के आसपास, यानी कि इसकी इस आलू की वैल्यू अब काफ़ी बढ़ गई। अब ये 11 रुपये जो किलो आलू है वो करीब पहुंच गया करीब 500 रुपये किलो के आसपास का, ठीक है, इतना हाई रेट पहुंच गया है। कैसे, इसका जो प्रोसेस हो गया उसकी वजह से। तो इसका दोहरा फायदा यही है कि एक तो उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, इससे हमारा जो खाद्यान्न वो नष्ट ख़राब होने से बचते हैं। दूसरा ये फायदा कि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इससे देखो जो कृषि जो कृषक है उनको अच्छा रेट वगैरह भी मिलता है, और इससे देखो एक इंडस्ट्री जो फूड इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है, जो हमारी इकोनॉमी को ही ग्रो करती है, राइट। तो इसका ये दो फायदा था, हमने समझा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया ठीक से, ठीक है। अब चलो जो हमने स्कीम बोला था ना पहले, यहाँ पे स्कीम की बात की जा रही थी, कौन सी स्कीम थी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना, यानी कि जो आपका फूड इंडस्ट्री होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगा, उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना चलाई गई है, देखो जिसको क्या बोला जा रहा है, PLISFPI, ठीक है, इसी को बोला जाए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये स्कीम चलाया गया था, थोड़ा सा इस स्कीम के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखो ये क्या कह रहा है, जो आपका खाद्य ऐसे कुछ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो ऐसे देखो वैश्विक स्तर पर चैंपियन का रोल कर रहे हैं, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर उनका सीजन वगैरह होता है तो भारत जो कि ऐसे इंडस्ट्री को समर्थन करेगा, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं वहाँ पे भारत देखो अपने जो खाद्य पदार्थ हैं जिनका प्रोसेस किया गया वो भारतीय ब्रांडों को जो कि प्रमोट करने में सहयोग करेगा। तो इस स्कीम का दो काम है, पहला देखो वैश्विक स्तर पर जो ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो अच्छा काम करें उनको देखो सपोर्ट करना, दूसरा काम क्या है जो भारतीय ब्रांड है ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको जो कि सहयोग करना, ताकि ये जो भारतीय ब्रांड है वो और अच्छे से उभर के सामने आए। तो इसके लिए देखो ये देखो केंद्रीय क्षेत्र की योजना, मतलब इसमें राज्य का कोई योगदान नहीं है, पूरा खर्चा कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। इसमें देखो 10,900 करोड़ रुपये की ये जो कि योजना है। तो यहाँ पर हमने इतना समझ लिया। अब देखो इसके दो घटक है, पहला दूसरा दो घटक है, और उसके साथ ही ये देखो जो ये स्कीम है ये आपका 6 वर्षों के लिए लागू है, 2021-22 से लेकर 2026-27 तक, यानी कि हम जो भारतीय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए जो कि यहाँ पे हम काम कर रहे हैं,
राइट। अब इसके देखो ये जो आपका स्कीम में दो घटक में है, पहला घटक में क्या कर रहा है, जो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडस्ट्रियां वगैरह हैं उनको देखो आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कुछ धनराशि वगैरह दिया जाएगा या फिर कर या फिर टैक्स वगैरह में कुछ छूट वगैरह दिया जाएगा, इस तरह की बात की जा रही है। द्वितीय घटक क्या है कि जो विदेशों में भारतीय ब्रांड है ना उसको प्रमोट किया जाएगा। अब भारतीय जो फूड प्रोसेसिंग पदार्थ वगैरह है उनको विपणन में समर्थन उनको विपणन में सहयोग वगैरह किया जाएगा। तो इस तरह से भारतीय ब्रांड को भी प्रमोट करने की कोशिश किया जाए और जो ऐसे इंडस्ट्री जो इसमें अच्छा काम करे उनको देखो आर्थिक जो कि प्रमोट किया जाएगा आर्थिक रूप से। तब इसमें देखो कौन कौन से आपके चीज़ें आ जाएंगी, जैसे बोला जाएगा मोटा अनाज आ जाएगा, मोटा अनाज के आधार पर जो उत्पादित प्रसंस्कृत चीज़ें हैं या प्रसंस्कृत फल हो गए, प्रसंस्कृत सब्जियाँ हो गई या समुद्री उत्पाद को जो प्रसंस्कृत किया जाता है या फिर मोजेला चीज़ वगैरह के विनिर्माण को आर्थिक प्रोत्साहन वगैरह दिया जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर समझा अच्छे से कि आपको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, ये स्कीम आया था इसमें क्या, ये 6 वर्षों के लिए स्कीम आया है, 10,900 करोड़ रुपये इसमें खर्च हो रहे हैं, इसका दोहरा दो इसके उद्देश्य क्या, एक तो वैश्विक जो वैश्विक स्तर पर विनिर्माण कंपनियां हैं फूड प्रोसेसिंग संबंधी उनको समर्थन करना जो चैंपियन की तरह काम करिए, साथ ही जो भारतीय ब्रांड है उसको देखो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे प्रमोट करना भारतीय ब्रांडों को फूड प्रोसेसिंग से संबंधित, ठीक है, ये हमने यहाँ पर अभी तक समझा। अब देखो खाद्य प्रसंस्करण में एक टॉपिक एक टर्म आता है आपका सनराइज क्षेत्र। सनराइज का मतलब क्या होता है, उदय होना। उदय होना से आप समझ लेना कि देखो यहाँ पे कहा जो ऐसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह है, सनराइज क्षेत्र देखो क्या है, वह क्षेत्र है जो तीव्र गति से विकास कर रहा होता है और भविष्य में जिसके अर्थव्यवस्था का आधार बनने की अपेक्षा होती है, मतलब ऐसी इंडस्ट्री वगैरह जो काफ़ी तेजी से विकास वगैरह कर रहे हैं तो भविष्य में वो जो कि अच्छा काम कर सकते हैं, तो इस ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सनराइज क्षेत्र, फूड जो आपका खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें, राइट। अब देखो इसके तहत जो सनराइज क्षेत्र है इसको भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, जो आपका सनराइज क्षेत्र जो इस तरह तेजी से विकास कर रहा है इसके आधार पर बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 तक इसमें देखो $33 बिलियन का निवेश आकर्षित करने की क्षमता है, साथ ही 3 मिलियन लोगों से अधिक 3 मिलियन से अधिक लोग जो कि इसमें रोजगार कर सकते हैं। तो ये आपका जो सनराइज क्षेत्र इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा जो कि निवेश आकर्षित करने की और साथ ही रोजगार उत्पन्न करने की काफ़ी क्षमता हमको देखने को मिल रही है। साथ ही देखो ये बताया जाए कि यह कुल खाद्य बाजार का जो भारतीय कुल खाद्य बाजार है उसका 32% हिस्सा होगा, जिसमें देखो जिसमें क्या क्या है, उत्पादन, उपभोक्ता, निर्यात और अनुमानित समृद्धि में देखोगे तो 5वें स्थान पर होगा, यानी जितना खाद्य पदार्थ उत्पादन उत्पादित हो रहा है या फिर जितने खाद्य पदार्थ उपभोग हो रहा है, जितना एक्सपोर्ट है उसका ये 5वां हिस्सा होगा आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये जो आपका सनराइज क्षेत्र में है, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पे कही जा रही है, आपका सनराइज क्षेत्र भी आपको समझ में आ गया क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है। अब देखिए ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काम कैसे करता है, जैसे मान लो पहले तो क्या होता है, मान लो खेतों में कोई किसान खेती कर रहा है तो पहले वो जो उसका खाद वगैरह लगेगा, बीज लगेगा, सिंचाई वगैरह लगेगा, तो कुछ उसकी इनपुट लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फसल का उत्पादन होता है, फिर उस फसल को क्या होता है, उसको खरीद का भंडारण किया जाता है, फिर उसको देखो प्रोसेस किया जाता है। देखो और प्रोसेस में जैसे आलू से चिप्स आपने समझा, इसी तरह देखो आपके घर में जैम वगैरह आते होंगे, ठीक है, टोमेटो जैम, टोमेटो सॉस वगैरह, केचप वगैरह आपने जरूर खाया होगा। तो ये सब क्या है, टमाटर का सॉस वगैरह बना के उसको प्रिजर्व कर लिया जा रहा है, उसको संरक्षित कर लिया जा रहा है, उसकी लाइफ भी बढ़ जा रही है और उसका वैल्यू भी बढ़ जा रहा है। तो यही सब चीज़ें क्या है, आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, यानी जितने भी आप देखोगे खाने पीने वाली चीज़ जो पैकेट वगैरह में मिल रही हैं वो सभी पैकेट में बॉटल में पैक करके मिल रही है, वो सभी क्या है, फूड प्रोसेस, मतलब उन सभी फूड का प्रोसेस कर दिया गया है, उनकी लाइफ बढ़ गई है, उनकी वैल्यू भी बढ़ गई है। तो यही जो कि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है। तो देखो ये क्या करती है, खेतों से जो उत्पादन हुआ उसका भंडारण हो जाता है, उसके बाद देखो ऐसा नहीं कि एक ही बार प्रोसेस हो जाता है, 2-3 चरण में इसका जो कि प्रोसेस वगैरह होता है, प्राथमिक प्रोसेसिंग होगा, सेकेंड स्तर पर फिर उसका पुनः प्रोसेसिंग होगा, फिर उसका वो देखो बेचने के लिए मार्केट में आता है। तो इस तरह से ये पूरी इसकी आपूर्ति श्रृंखला फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की चलती रहती है। अब देखो इसको प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है, यहाँ पे बोला अभी हमने देखा ना 10,900 करोड़ का जो कि प्रोत्साहन दिया, तो क्यों प्रोत्साहन दिया जा रहा है इस बारे में हम समझ लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपका, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि से संबंध जो उत्पाद है वो उसका देखो भारत देखो प्रमुख केंद्र, यानी देखो भारत देखो दूध, दाल, अदरक, केला, अमरुद, पपीता, आम, इन सभी का शीर्ष उत्पादक है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो कि भारत में सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें उगती हैं, और चावल, गेहूं और विभिन्न अन्य फल और सब्जी देखोगे उसके उत्पादन के आधार पर देखोगे तो भारत जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर है, यानी कहने का मतलब भारत जो कि कृषि समृद्ध क्षेत्र है यहाँ पे इस इंडस्ट्री के फलने फूलने का बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है, क्योंकि देखो भारत में इतने ज़्यादा जो कि विभिन्न तरह के जो फल सब्जी वगैरह है या खाद्यान्न है वो बहुत बृहद मात्रा में उत्पादन उनका होता है, इसलिए जो कि FPI को प्रमोट किया जाए ताकि ये जो भारत में इतना उत्पादन हो रहा है इन सबका जो कि एक अच्छा उपयोग किया जा सके
सके और इससे देखो एक अच्छी इनकम जो कि किसानों की भी हो सके, साथ ही हमारी जो इंडस्ट्री वगैरह है उसकी भी इनकम अच्छी हो सके। तो यानी हमारे यहाँ स्कोप बहुत बड़ा है, इसी वजह से जो कि हम इस तरह के जो आपके स्कीम वगैरह है चला रहे हैं, इस पर पैसे खर्च करें। साथ ही बोला जाए कि और क्यों इस तरह की स्कीम को प्रोत्साहन दिया जाए, देखो और उसमें बात क्या है, बढ़ती मांग यानी इन सब जो आपका प्रोसेस फूड वगैरह है उसकी मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि देखो अभी देखो शहरीकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है जिससे लोगों की जीवन शैली बदल रही है, और साथ ही देखो एकल परिवार बढ़ रहा है जिससे देखो जो महिलाएं हैं वो भी कामकाजी हो रही हैं, तो वो भी अब खाना बनाने का उनके पास उतना टाइम नहीं होता, तो अभी देखो प्रसंस्कृत भोजन यानी प्रोसेस फूड को ही जो कि अत्यधिक मांग उनका रहता है। यानी शहरों में देखोगे आपको देखो फूड प्रोसेस वाली जो चीज़ें होती है वो काफ़ी खाई पी जाती हैं, तो इस वजह से इनकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अब देखो भारत की आबादी कितनी है, 130 करोड़ से ऊपर है, राइट, लगभग 136 करोड़, तो ये देखो बहुत बड़ा बाजार है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा लोग जो कि खाने पीने वाले हैं इस तरह की चीज़ें, इसलिए इसकी मांग भी बढ़ रही है। साथ ही देखो उसी आधार पर बताया जाए कि वर्ष 2030 तक भारत वार्षिक घरेलू उपभोग का 3 गुना हो जाएगा, यानी जितना भी उपभोग करता है भारत 2030 तक देखोगे इसकी मांग जो कि 3 गुना बढ़ जाएगी, जिससे देखो भारत देखो विश्व में 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन जाएगा। यानी भारत में इस तरह के इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बाजार हमको देखने को मिला है, इस वजह से इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। फिर देखो इसको क्यों इंसेंटिव दिया जाए, दूसरा ये तीसरा ये तर्क दिया जा रहा है थर्ड कि यहाँ का जो फूड प्रोसेसिंग किया जाता है ना वो उसका स्तर काफ़ी निम्न है भारत में, इस वजह से जो कि इसको इंसेंटिव दिया जाए ताकि ये भी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि अपने व्यापार को और बढ़ा सके। जैसे देखो बोला जाए कि अमेरिका में देखोगे जितना खाद्य कृषि उपज होता है या अभी जो भी प्रोसेसिंग होता है उसका देखो कृषि उपज का लगभग 65% जो खाद्यान्न होते हैं उसको प्रोसेस्ड कर लिया जाता है, उनका खाद्य प्रसंस्करण कर लिया जाता है। उसी तरह चीन में भी बताया जाए, चीन में भी देखो 23% जो कि खाद्य होते हैं उनका प्रसंस्करण कर लिया जाता है, लेकिन भारत में देखोगे तो 10% से भी कम कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण होता है, तो इसी वजह से जो कि इनका प्रसंस्करण स्तर निम्न है, इसी वजह से इनको इंसेंटिव दिया जाए ताकि ये जो को जैसे कम से कम अमेरिका इतना तो नहीं लेकिन चीन इतना तो हम तो पहुँच ही सकते हैं 23%। देखो अभी देखोगे फल वगैरह में तो हम कितना फल सब्जी में 2% ही प्रोसेस कर पा रहे हैं, और जो समुद्री खाद्य पदार्थ है जैसे फिश वगैरह हो गया या फिर कुछ भी जो समुद्री खाद्य पदार्थ वो उसमें देखो 8% ही प्रोसेस कर पा रहे हैं, लेकिन हम देखो डेयरी सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करें, इसलिए देखो भारत डेयरी में नंबर वन है हर जगह, तो 35% जो कि हम यहाँ पे प्रोसेस कर पा रहे हैं डेयरी सेक्टर को। साथ ही जो आपका कुक्कुट उत्पादन यानी मुर्गा पालन वगैरह है यहाँ पे यानी मांस वांस का जो प्रसंस्करण वगैरह होता है उनको जो सेल वगैरह किया जाए उसमें देखो केवल 6% ही भारत जो का योगदान है, यानी कि ओवरऑल बताया जाए कि जितना कृषि उत्पाद या किसी से संबंधित जो उत्पाद वगैरह होते हैं उसमें केवल 10% से कम उत्पाद को ही हम प्रोसेस कर पाते हैं, बाकी 90% उत्पाद ऐसे होते हैं जिनको हम प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। इसमें से देखो काफ़ी उत्पाद ऐसे होते हैं जो सड़ जाते हैं समय पर, उनका आवंटन भंडारण वगैरह ठीक से नहीं हो पाता है, उनकी पहुँच नहीं होती, इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो सड़ जाते हैं, बर्बाद जाते हैं, तो इन बर्बादी को रोकने के लिए भी हमको फूड प्रोसेस इंडस्ट्री की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और भंडार सुविधाओं की कमी के कारण, यानी जो हमारे जो खाद्य प्रसंस्करण यूनिट वगैरह है उसकी कमी है और भंडार सुविधा की भी कमी है, इस कारण देखो कि भारत को प्रतिवर्ष फसल कटाई के बाद लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, यानी इतने फसल हमारे बर्बाद हो जाते हैं, उनका रखरखाव नहीं हो पाता है, उन फूड का प्रोसेस नहीं हो पाता है, वो सड़ गल जाते हैं, वो बर्बाद हो जाता है, कितना नुकसान होता है 2 लाख करोड़ रुपये का, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। तो इस नुकसान से बचने के लिए भी जो हमको जो कि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, इस वजह से इसकी हमको ज़रूरत है। और साथ ही देखो यहाँ पे कहा जा रहा है देखो और इस फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमने क्या किया है, हमने देखो जो विदेशी निवेश है ना फूड प्रोसेस इंडस्ट्री में उसको 100% बोल दिया कि आप 100% जो कि निवेश वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई ज़्यादा रोक टोक वाली चीज़ें नहीं है, तो सरकार जो कि प्रयत्न करेगी जो आपके फूड प्रोसेस इंडस्ट्री उसको काफ़ी ज़्यादा जो कि प्रमोट किया जाए, तो इसलिए देखो 100% इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इसमें लाने की सुविधा दी गई है। साथ ही देखो गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ स्कीम वगैरह चलाई गई, जैसे देखो आप संपदा स्कीम, ठीक है, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ स्कीम है, जैसे उसमें पहला स्कीम कौन सा आता है, संपदा स्कीम आता है, जिसमें देखो मेगा फूड पार्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, यानी मेगा फूड पार्क मतलब एक बड़ा सा पार्क होगा जहाँ पे जो फसल वगैरह उगेगी, फसल यहाँ पे आएगी, यहाँ से प्रोसेस होगी, फिर यहीं से एक्सपोर्ट वगैरह हो जाएगा, मतलब एक बड़ा सा एरिया होगा जहाँ पे सब कुछ फूड प्रोसेसिंग उत्पादन से लेकर प्रोसेस तक और पैकेजिंग तक सब कुछ काम जो कि इसी एरिया में होगा, तो इस तरह की बात जो कि संपदा स्कीम के अंतर्गत की जा रही है। फिर देखो इसमें बोला जाए कि देखो अभी तक फरवरी 2021 तक देखोगे देश भर में स्वीकृत 37 में से लगभग 22 मेगा फूड पार्क संचालित है, मतलब अगर 37 स्वीकृत है तो उसमें से 22 काम कर रहे हैं, अब 22 मेगा फूड पार्क जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर देखो क्या करना है, इसी स्कीम के अंतर्गत एकीकृत प्रशिक्षित
पारिस्थितिक श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना का निर्माण करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह इन सब का जो कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि हमको निर्माण करना है। और साथ ही इसमें देखो और क्या बताया जा रहा है, जो आपका कृषि प्रसंस्करण संकुलों के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, वही इंफ्रा के भी निर्माण करने की बात की जा रही है। साथ ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण करना और खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता का आश्वासन संबंधी अवसंरचना का निर्माण करना, ताकि जो हमारे जो इंफ्रा अगर इस तरह से डेवलप नहीं होंगे तो हमारी जो खाद्य सुरक्षा वो खतरे में पड़ जाएगी। और खाद्य का अगर सुरक्षा नहीं हो पाएगा तो वो प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा, ऑब्वियसली बात है, समय पर अगर नहीं पहुंच पाएगा फैक्ट्री वैक्ट्री के पास तो कैसे प्रोसेस होगा। तो उसी तरह से बोला कि इस तरह की इंफ्रा का जो हमको डेवलप करना, जैसे अच्छी सड़क का निर्माण करना पड़ेगा और कोल्ड चेन का निर्माण करना पड़ेगा, यानी कोल्ड वाले ऐसे जो वैन वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल करना होगा, ताकि ये जो फसल जो खराब हो जाते हैं जल्दी से गर्मी में, वो गर्मी की वजह से खराब ना, वो उनकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ी रहे, ताकि वो जब इंडस्ट्री तक पहुंच जाए तब जाके जो कि उनका प्रोसेस वगैरह हो जाए। और देखो आपका संपदा स्कीम ने काफ़ी डिटेल में देखा, उसके अलावा देखो क्या है, ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया। ऑपरेशन ग्रीन में क्या है, जो आपका टमाटर प्याज और आलू है उसके साथ साथ जो फल और सब्जियां हैं इन सभी के परिवहन और भंडार पर देखो 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही है। फिर साथ ही देखो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जिसमें देखो कृषि उत्पाद और जो समुद्री प्रसंस्करण है, जो समुद्री उत्पाद है उनके प्रोसेस को जो कि प्रमोट करने के लिए बात की जा रही है। मतलब कैसे प्रमोट किया जाएगा, यहाँ पे देखो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, राइट। फिर इसके बाद देखो राष्ट्रीय प्रसंस्करण नीति 2019 का प्रारूप भी तैयार किया गया, कि किस तरह से जो कि आपका जो राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति है, मतलब इसमें जो फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है इसको कैसे प्रमोट किया जाए, इस तरह का एक पॉलिसी भी बनाई गई है। साथ ही देखो आपका प्रधानमंत्री इसके जो ये आपका अभी देखो क्या हो रहा है ना, जो आपका फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है ये जो कि अनौपचारिक क्षेत्र में काफ़ी डेवलप है, मतलब इसमें औपचारिकता नहीं है, अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादा ये डेवलप है, अनौपचारिक क्षेत्र में इस वजह से देखो इसको काफ़ी ज़्यादा सुविधाओं का जो कि अभाव मिला है। तो इसीलिए देखो इसको औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए क्या बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण औपचारिकरण योजना भी लाया गया है, ताकि इसको देखो सभी सुख सुविधाएं जो होगा वो दिया जाए, इसको इस क्षेत्र का औपचारिकरण किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की बात की। अब देखो जो आपका फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है इसके विकास में कुछ बाधाएं हैं, क्या हमने देखा कि क्यों जरूरत है वो हमने यहाँ से डिटेल्स काफ़ी देख लिया, और गवर्नमेंट क्या प्रयास करी वो भी हमने देख लिया। अब देख रहे हैं कि जो फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है इसमें कुछ बाधाएं हैं, क्या बाधाएं हैं यहाँ पे देखते हैं। जैसे बोला जाए कि औपचारिकरण का अभाव, जैसे अभी हमने पहले जस्ट देखा कि इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में जो कि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री को संचालित कर, जैसे देखो बोला जाए कि असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लगभग 25 लाख इकाइयाँ शामिल है, मतलब कि जो फूड प्रोसेस इंडस्ट्री है उसमें देखो उसका देखो 74% ऐसे इंडस्ट्री जो असंगठित क्षेत्र में यानी अनौपचारिक रूप से काम करती हैं, तो इनको देखो विशेष जो स्कीम वगैरह तो उसका लाभ वगैरह नहीं मिल पाता है, इसलिए इनको देखो अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस जो आपका इतना बड़ा क्षेत्र जो कि अनौपचारिक है, इस यह जो कि फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के विकास में देखो बाधा के रूप में हमको सामने नज़र आ रही है। इसी बाधा को दूर करने के लिए देखो यहाँ पे आपका जो स्कीम ये चला गया प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिकरण योजना, राइट। दूसरा आप देखो क्या रहा है, इसमें देखो बोला जा रहा है कि उद्योग की आवश्यकताओं तथा किसानों द्वारा कृषि उपज की आपूर्ति के मध्य असंतुलन की स्थिति है, यानी देखो एक और समस्या यहाँ पे आ रहा है, जो इंडस्ट्री को जिस क्वालिटी का जिस किस्म का अनाज या खाद्यान्न चाहिए उस किस्म का या उस क्वालिटी पर या फिर उस जितना इनको डिमांड चाहिए उस स्तर पर उतना मांग के आधार पर जो कि कृषि उपज नहीं हो पा रहा है, तो इन सब में जो असंतुलन की स्थिति दिख रही है। इसी वजह से देखो ये जो कि एपीआई के विकास में बाधक के रूप में ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। साथ ही देखो आपका देखा यहाँ बोला कि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर अपर्याप्त ध्यान, यानी कि वही जैसे हमने बोला यहाँ पर जिस क्वालिटी का मान लो देखो जो लेज चिप्स वगैरह बनाती है तो उनको ऐसा नहीं कि कोई भी आलू दे दो आप उसका बना देंगे, नहीं, उनको देखो उनका एक फिक्स क्वालिटी वाला आलू होता है, एक फिक्स किस्म का आलू होता है, उसी किस्म के आलू को या उसी साइज के आलू को जो कि उगाने की मांग करते हैं। लेकिन जब इस तरह के क्वालिटी वाले जो कि हमारे यहाँ कृषक उपज जो कि नहीं हो पाएगा तो ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अपने जो क्वालिटी है जो ग्राहकों का विश्वास वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर इनकी क्वालिटी में कुछ ना कुछ फेरबदल आएगा। तो यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पर्याप्त ध्यान है, यानी ये जो कि बड़ा बाधक है, यहाँ पर जो फूड वगैरह उसका सुरक्षा पर्याप्त होना चाहिए था और उनकी गुणवत्ता यानी जो मानक है जो जैसा इंडस्ट्री को जिस क्वालिटी का मतलब जो चीज़ खाद्यान्न चाहिए उस क्वालिटी का हमको देना होगा, तभी जाके जो कि आगे सक्सेस होगा। फिर देखो कहा जाएगा अवसंरचना संबंधी बाधा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर हमारे देश में, इस वजह से जो कि एपीआई के विकास में बाधक आती है। जैसे बोला कि एक कुशल खाद्य आपूर्ति की श्रृंखला प्रणाली की अनुपस्थिति इस उद्योग के परिचालन में बाधा उत्पन्न करती है। जैसे देखो कोल्ड चेन अवसंरचना स्थापित करने के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है, इसलिए देखो जो कि प्राइवेट जो सेक्टर था वो जो कि कोल्ड चेन वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश वगैरह नहीं करते हैं। अब कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ तो ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से बोला जाए कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बाधाएं, अगर ये बाधा दूर
जाती है ना, तो लगभग समझो फूड इंडस्ट्री में आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये बड़ी मुख्य बाधा के रूप में सामने आती है। और कुछ अन्य बाधाएँ भी हैं, जैसे बताया जा रहा है कि देखो इसमें पूंजी की आवश्यकता अत्यधिक आवश्यकता होती है, पर पूंजी नहीं मिल पा रहा है, और बेहतर सटीकता वाले उपकरण जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग, सूचना प्रबंधन मैनेज जो आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट वगैरह होगा उसका स्वचालन वगैरह, इस पर R&D वगैरह, ये सब चीज़ें भी बाधाएं। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो प्रोसेस इंडस्ट्री, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। अब देखो निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि सुविकसित FPI यानी फूड प्रोसेस इंडस्ट्री वस्तुतः अपव्यय कम करने यानी जो खर्च होता है उसको कम करने, मूल्यवर्धन में सुधार करने वैल्यू को बढ़ाने में, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने में, किसानों की आय दोगुना करने में, रोजगार वृद्धि करने के साथ साथ निर्यात संबंधी आय बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो देखो इसका FPI का कितना ज्यादा लाभ हमको देखने को मिल रहा है। ये खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रा स्फीति महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने और जनता को स्वास्थ्यकर पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर, गुणवत्ता मानकों में सुधार कर, विशेष रूप से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए औपचारिकरण, ऋण की आपूर्ति में वृद्धि कर, और अर्थव्यवस्था में कुशल श्रम पूल का विस्तार करके आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू रूप बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो पहले में बताया गया कि क्या क्या इसके फायदे हैं फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के, दूसरे में बताया गया कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, वही जो ऊपर हमने बात की शॉर्ट में। तो इस तरह से यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में बात की जा रही है। अपने अगले टॉपिक की तरफ, अगला टॉपिक हमारा क्या है, उर्वरक सब्सिडी या फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो देखो बोला जाए कि हाल ही में अभी जो आपका DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें देखो सब्सिडी इंक्रीज कर दी गई है। 5 रुपये प्रति बोरी पहले थी, अब इसमें सब्सिडी 12 रुपये प्रति बोरी दी जा रही है, यानी कि 140% की वृद्धि कर दी गई है। तो इस तरह की बात थी, इस वजह से आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी वाला जो कि न्यूज में था। अब देखो जो भारत में फर्टिलाइजर की स्थिति थोड़ा समझते कि कैसे क्या है, तो भारत में देखो फर्टिलाइजर को 2 श्रेणी में बांटकर देखा जाता है। पहला देखो ऐसे फर्टिलाइजर जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, दूसरा ऐसे फर्टिलाइजर जो फॉस्फेटिक और पोटास युक्त जो कि आपके फर्टिलाइजर होते हैं। तो इस दो आधार पर इनकी अध्ययन करते हैं। साथ ही देखो यहाँ पर एक डेटा बताया जाए कि भारत में देखोगे जो फर्टिलाइजर उद्योग है वो उत्पादन के मामले में विश्व में तीसरा है, यानी थर्ड लार्जेस्ट जो कि सबसे बड़ा जो कि विश्व में उद्योग है भारत में फर्टिलाइजर उद्योग, लेकिन उपभोग के मामले में देखोगे तो सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी कि हमारे यहाँ जितना उत्पादन होता है उससे ज़्यादा भी उपभोग भी किया जाता है फर्टिलाइजर का, राइट। तो इस तरह की यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति बताई जा रही है भारत में उर्वरक की स्थिति। अब देखो फर्टिलाइजर सब्सिडी के यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझाया जाए कि किस तरह से फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया जाता है। जैसे देखो इसको दो आधार में बांट के दिया जाता है कि ऐसे सब्सिडी जिसमें यूरिया युक्त वाले सब्सिडी, और ऐसे सब्सिडी जिसमें यूरिया नहीं होते, यानी गैर यूरिया वाले जो ऐसे पोषक तत्व होते हैं उन पर जो सब्सिडी दी जाती है, राइट। तो देखो जो आपका यूरिया युक्त होता है उसको देखो NBS योजना के तहत प्रशासित नहीं होती। NBS योजना कहने मतलब क्या, आपका न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी दी जाती है वो आपका गैर यूरिया वाले में दी जाती है, यूरिया वाले में नहीं दी जाती, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है, किसानों को वैधानिक रूप से अधिसूचित मूल्य पर प्रदान किया जाता है, यानी कि ऐसे जो आपके यूरिया पे सब्सिडी किस तरह दी जाती है, जो आपके यूरिया के मैन्युफैक्चर वगैरह होते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, जिससे वो देखो सस्ता यूरिया जो कि किसानों को बेचते हैं, इस तरह से जो कि किसानों को यूरिया पे सब्सिडी मिलती है। और गैर यूरिया सब्सिडी में देखो आपका पोषण आधारित सब्सिडी यानी NBS के आधार पर जो कि सब्सिडी मिली है 2010 से, इसमें देखो कैसे कौन से पोषक तत्व, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, ऐसे पोषक तत्वों पर देखो सब्सिडी निश्चित दर पर दी जाती है, यानी इस आधार पर जो कि किसानों को ऐसे कुछ इस तरह से जो कि आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह दी जा रही है दो भागों में बांट के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है, इसके थोड़ा सा छोटा करते हैं, हाँ देखो कहा जा रहा है केंद्र सरकार उर्वरक विनिर्माता और आयातकों को सब्सिडी प्रदान करती है, यानी जो भारत में जो ऐसे लोग हैं जो फर्टिलाइजर का उत्पादन करते हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरर जो है उनको देखो सब्सिडी देती है, और जो इंपोर्ट करते हैं ऐसी कंपनियां का जो आपका फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करके बेचते हैं उनको भी सब्सिडी देती है, ताकि ये जो विभाग जो किसानों को अगर ये जो आपका फर्टिलाइजर वगैरह बेचे तो वो कम दाम पे बेचे, यानी कि यहाँ पे सब्सिडी किसको दी जा रही है, जो मैन्युफैक्चरर है जो इंपोर्टर है उसको सब्सिडी दी जा रही है, ताकि ये सस्ता जो कि किसानों को बेचे, ठीक है, इस तरह की बात जा रही है। साथ ही देखो यहाँ पे जो आपका 2018 से देखोगे तो जो आपके मैन्युफैक्चरर है यानी जो आपका जो यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह जो बेचते हैं उनको देखो डायरेक्ट खाते में जो कि उनके पैसे जा रहे हैं सब्सिडी के, ताकि उनका जो भी इससे जो भी नुकसान वगैरह होगा, मान लो उन्होंने उनको बोला गया कि आप किसानों को मान लीजिए 5 रुपये बोरी में जो कि यूरिया बेचिए, राइट, इस तरह की मान लो एक अनुमान 5 रुपये बोरी के हिसाब से आप बेचिए, जबकि खरीद इनका पड़ रहा है 8 रुपये बोरी के हिसाब से, तो ये मैन्युफैक्चरर 5 रुपये बोरी के हिसाब से बेच रहे हैं, फिर जितने किसानों को इन्होंने एक सप्ताह के भीतर बेचा होगा
उसका पूरा एस्टिमेट गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट उसी हिसाब से जो इनकी क्षतिपूर्ति होगी 3 रुपये पर बोरी के हिसाब से जितना भी नुकसान होगा वो इनको जो कि डायरेक्ट खाते में इनको पे कर देगी। तो कुछ इस तरह से 2018 का प्रावधान चल रहा है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा भारत में सब्सिडी की स्थिति फर्टिलाइजर पे। अब देखो यहाँ पर कुछ चिंताएं बताई जा रही है कि देखो भारत में जो सब्सिडी दी जाती है उर्वरक को लेकर उस पर काफ़ी ज़्यादा जो कि चिंता की जाती है। जैसे क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला जाए कि जो आपका इससे देखो जो राजकोषीय घाटा है वो या फिर राजकोषीय बोझ है वो काफ़ी बढ़ जाता है। देखो गवर्नमेंट देखो फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बहुत अधिक देती है। देखो जितना सब्सिडी सर्वाधिक देती है उसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी दूसरे स्थान पर, राइट है। सबसे ज़्यादा किस पे देती है, आपका फूड पे, फूड और वेलफेयर से संबंधित जो स्कीम वगैरह चलती है जैसे PDS सिस्टम उस पर देती है, फिर फर्टिलाइजर पर देती है, फिर फ्यूल पर देती है। ये 3 सब्सिडी की सबसे ज़्यादा सब्सिडी वाले आपके क्षेत्र हैं, ये आप याद रखिएगा प्रीलिम्स के हिसाब से। तो इसमें देखो कितना सब्सिडी दिया जा रहा है, पूरा आपका जो जितना GDP है उसका लगभग 0.5% जो कि फर्टिलाइजर में केवल सब्सिडी दिया जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर देखो एक डेटा है जो मैंने गूगल करके देखा था, तो यहाँ देखो बताया कि गवर्नमेंट देखो फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर पे सबसे अधिक जो कि सब्सिडी वगैरह देती है। अब अभी देखो टोटल इन तीनों अगर टोटल सब्सिडी करोगे तो कितना आएगा, 2,27,793,089 करोड़, यानी कि इतना अमाउंट गुड़े 1 करोड़, इसमें करोड़ का और गुड़ा कर दो तो इतना बड़ी राशि धनराशि जो कि आपका किस पे दी जाती है, फूड पे, फ्यूल पे और फर्टिलाइजर पे जो कि सब्सिडी दी जाती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट। तो ये आपको समझ आया कि यानी कि इससे आप क्या हो रहा है, जो उच्च राजकोषीय बोझ है उर्वरक फर्टिलाइजर पर इतनी बड़ी अमाउंट में दी जा रही है तो उच्च राजकोषीय बोझ बढ़ रहा है। ये आपका बहुत एक समस्या के रूप में है फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जो दिया जाता है, मतलब इस पर इतना ज़्यादा सब्सिडी दिया जा रहा है कि गवर्नमेंट पर काफ़ी ज़्यादा जो कि बोझ बढ़ जा रहा है। फिर देखो कहा जाए कि उर्वरक क्षेत्र की आयात पर बढ़ती निर्भरता, यानी कि हम जैसे जैसे सब्सिडी दिए जा रहे हैं ना तो वैसे वैसे देखो हमारा जो जो इम्पोर्ट है यानी कि हम बाहरी देशों से जो फर्टिलाइजर खरीदते हैं उस पर जो कि निर्भरता बढ़ती जा रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि हमारे यहाँ देखो हम सब्सिडी दे देते हैं तो हमारे यहाँ जो कि इंडस्ट्री वगैरह उसको वो जो कि ज़्यादा जो कि उत्पादन नहीं कर पा रही है, वो जो कि वहीं पर एक तरह से सीमित हो चुकी है, ये अपनी उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ा रही है। और इस वजह से देखो हम जो कि बाहर देखिए हमको जो देखो हमको देखो उत्पादन बढ़ाना है तो फर्टिलाइजर चाहिए होगा, ठीक है, उर्वरक चाहिए होगा। तो अब हमारे यहाँ से देखो उत्पादन सीमित हो गया तो बाहर से हम इम्पोर्ट करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहा है वो, इसी वजह से बोला कि आयात पर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता बढ़ती जा रही है। जैसे देखो आप देखो यहाँ पर बताया 2020 का फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना सब्सिडी हमने कितना आयात किया है। देखो यूरिया के बारे में बताया जा रहा है कि 73% जितनी हमको यूरिया चाहिए थी उसका तो हमने अपने देश में 73% उत्पादन कर लिया, लेकिन 27% हमने जो कि इसको इंपोर्ट किया है बाहरी देशों से। जो डैप आपका है एन डाई अमोनियम फास्फेट उसका तो 45% हम उत्पादन करते हैं लेकिन 55% जो कि इसको आयात करते हैं। जो आपका NPK है नाइट्रोजन फास्फेट पोटास इसको तो 92% उत्पादन करते हैं, केवल 8% एक बाहर से खरीदते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। और जो आपका एक है MOP, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं म्यूरिएट ऑफ पोटास इसको तो 100% जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये हमारे यहाँ हमारे देश में उत्पादन नहीं होता है। अब MOP क्या होता है, MOP देखो दरअसल यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका MOP होता है इसका बेनिफिट यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आपका अनाज वगैरह होता है ना इसमें देखो जो पोटास होता है यानी जो आपका फर्टिलाइजर जो पोटास होता है उसकी जो कि क्षमता यूटिलाइज क्षमता बढ़ा देती है जिससे उसकी लॉस की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, इसकी पोटास की यूटिलाइजिंग जो कि बढ़ा दी जाती है जिससे पोटास का जो कि लॉस कम हो जाता है। और साथ ही इससे देखो जो आपका ये हर जो तरह की फसल पर जो कि उपयोग किया जा सकता है आपका सॉइल टेस्ट के आधार पे, इससे देखो जो पेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है, यानी कि हमको पेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ें कम करनी होती है, दवाई वाई कम छिड़कनी होती है, अब बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन इससे यानी प्रोड्यूस होता है। तो ये MOP का बेनिफिट है, MOP क्या होता है मुझे लगा आपको जानना जरूरी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो यानी MOP का भी देखो हम 100% जो कि इंपोर्ट करते हैं, तो ये सब जो कि इंपोर्ट पे हमारी निर्भरता काफ़ी बढ़ती है। देखो डैप पे काफ़ी तेज़ी से जो कि इंपोर्ट पे निर्भरता हमारी बढ़ी है। और यूरिया में भी देखो पहले हम देखो 80% तक जो कि अपने यहाँ उत्पादन करते हैं लेकिन अब देखो 73% उत्पादन करें, 27% जो कि इंपोर्ट करें, तो ये लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। साथ ही देखो कहा जाए कि सब्सिडी व्यवस्था कर जो फर्टिलाइजर आपका यानी उर्वरक है उसका असंतुलित उपयोग में वृद्धि हुई है, यानी जितना मात्रा में उपयोग होना चाहिए, जैसे देखो आदर्श मात्रा बताया जा रहा है कि आपका जो नाइट्रोजन है, फास्फेट है और पोटास है, ठीक है, इनका अनुपात बताया है कि मान लो अगर 4 kg नाइट्रोजन आप यूज कर रहे हो तो उसके सामने जो आपका फास्फेट होगा वो 2 kg होगा, जो आपका पोटास होगा वो 1 kg होगा, यानी 4:2:1 का रेशियो होना चाहिए। लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि जो आपका पंजाब और हरियाणा में है वहाँ पर देखो ये 4:2:1 का रेशियो के बजाय
25:5:1 का रेशियो चल रहा है, यानी काफ़ी ज़्यादा जो कि नाइट्रोजन का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो इससे देखो असंतुलित उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है फसल, जिससे क्या हो रहा है जो फसल की पैदावार है वो प्रभावित हो रही है। यहाँ पर देखो मृदा का स्वास्थ्य भी गिरावट आ रहा है, साथ ही साथ ये देखो पर्यावरण के लिए भी प्रतिकूल रूप से काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर आप उर्वरक सब्सिडी तेजी से बढ़ रही है, ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, तो लोग जो कि अंधाधुंध जो कि इसका प्रयोग कर रहे हैं, इस वजह से देखो जो आपकी मृदा की क्वालिटी वो भी नष्ट हो रही है और जो फसल की उत्पादकता है वो भी उसमें भी गिरावट देखने को हमको मिल रही है। और साथ ही जो देखो कुछ जो ऐसे कीट वगैरह है यानी पेस्ट वगैरह है वो भी देखो आप उनका देखो इन फर्टिलाइजर पर जो कि असर वगैरह उतना नहीं होता, ये भी रजिस्टेंट जो कि हो चुके हैं, यानी जो आपका जो ऐसे कीट वगैरह है उनकी जन्म दर भी बढ़ गई है, उनकी सुदृढ़ उनकी वृद्धि में सुदृढ़ता हो गई है। तो इस तरह की बातें यानी कि कीट भी अब ज़्यादा प्रभावित वगैरह नहीं हो रहा है, यानी पेस्टिसाइड का खतरा बढ़ गया है। फिर साथ ही देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करने से फर्टिलाइजर बर्न, देखो इस तरह के टर्म जब आप लिखोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स वगैरह मिलते हैं। तो फर्टिलाइजर बर्न की स्थिति उत्पन्न हो रही है, फर्टिलाइजर बर्न करने का मतलब किसी जो फसल है उसकी पत्तियां देखो सूख रही हैं, पौधे की वृद्धि रुक जा रही है या फिर वे नष्ट भी हो जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति भी हमको देखने को मिला जुला के जो आपका फसल है उसका जो कि उत्पादन में गिरावट हमको देखने को मिल रही है। फिर देखो अत्यधिक फर्टिलाइजर का उपयोग होगा तो जो आपका भूजल होता है वो भी जो कि प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि देखो फर्टिलाइजर जो खेतों से बहकर जो कि आपका खेतों में होती है, खेतों के थ्रू जो कि भूमि के अंदर जब सिंचाई हो जाती है तो भूमि के अंदर जो कि पानी के साथ साथ जो कि फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह भी अंदर चली जाती है, तो आपका जो भूजल है यानी ग्राउंड वाटर वो भी जो कि प्रदूषित हो रही है। फिर साथ ही देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि और क्या इसके नुकसान हो रहा है, जो देखो पोषक तत्वों के अधिक से अधिक हम लोग यूज करें, जैसे देखो हमको 4:2:1 का यूज करना चाहिए था तो हम 25:5:1 का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इससे देखो नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इससे देखो जो आपका सरफेस वाटर होता है ना वो जब ये खेत के पानी वगैरह भर के नदियों तालाबों में जाते हैं नदियों में जाते हैं तो जो सरफेस वाटर पर देखोगे काफ़ी ज़्यादा जो कि ये नाइट्रोजन वगैरह आ जाता है, जिससे देखो हानिकारक शैवाल की काफ़ी ज़्यादा जो कि वृद्धि हो जाती है, जिससे वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं अंदर जो होती है उनके लिए ऑक्सीजन की डिमांड ऑक्सीजन की मांग जो मांग होती है वो पूरी नहीं हो पाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की घटना भी आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ मतलब हमने नुकसान समझा कि अत्यधिक सब्सिडी देने से क्या क्या नुकसान यहाँ पे हो रहे हैं, किस तरह से नुकसान हो रहा है, वे फॉरवर्ड की बात की जा रही है कि क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे बताया जा रहा है कि जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है उसकी जगह पे उनको देखो नगद जो कि नगद धनराशि उनके बैंक अकाउंट में दे दिया जाए और उतना ही दिया जाए जितना किसी किसान का खेत है, उसी आधार पर पता चलेगा कि उसको कितनी ज़रूरत है यूरिया की, उसी आधार पर वो जो कि यूरिया की खरीद करेगा। जब उसको देखो अपने खेत के साथ उसको सब्सिडी मिलेगा तो उसको पता है कि हमको मेरा 1 हेक्टेयर खेत है मुझे 10 बोरी यूरिया के लिए पैसा मिला है, तो 10 से ज़्यादा जो कि यूरिया खरीदेगा नहीं, हो सकता है वो 8 ही बोरी यूरिया खरीदे क्योंकि उसको और जगह पैसे वगैरह का पैसे आता है तो होता है ना कि कहीं और भी लग जाता है। तो इससे क्या होगा जो आपका एक तरह से जो फर्टिलाइजर की जो अत्यधिक दोहन हो रहा है वो कम होगा, वो सीमित होगा, जितना एक आदर्श अनुपात था 4:2:1 वाला वो जो कि पूरा हो पाएगा। तो इसलिए बोला कि उनको डायरेक्ट मतलब जो ऐसे मैन्युफैक्चर वगैरह उनको ना देगा, क्योंकि देखो उनका काम क्या है, उनका काम अधिक से अधिक बेचना, तो वो लाभ के लिए अधिक से अधिक बेचने की ही बात सोचेंगे, लेकिन जब किसानों को डायरेक्ट खाते में जाएगा तो वो सोचेंगे इतना ही पैसा मिला उनको इतने ही पैसे में खरीदना है तो उतने ही पैसे में खरीदने की कोशिश करेंगे, अधिक से अधिक बोरी जो कि नहीं खरीदेंगे। फिर साथ ही देखो यहाँ पर बोला जाए कि जो आपका सब्सिडी है उसको इस व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना, यानी उर्वरक की बोरियों की संख्या को सीमित करके उर्वरकों को अधिक तरसंगत उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है, यानी कि इनको जितनी ज़रूरत है आप मैपिंग कीजिए किस किस किसान के पास कितनी खेत वगैरह कितना हेक्टेयर वगैरह है, वो जिला स्तर पर मैपिंग शुरू करिए और जब मैपिंग हो जाए तो उस आधार पर उनको जो कि कितनी बोरियों की आवश्यकता है उस आधार पर उनको डायरेक्ट जो कि उनके डायरेक्ट खाते में जो कि पैसा आवंटित कर दीजिए उतना जितना की उनकी ज़रूरत है। फिर साथ देखो कहा जाए कि किसानों के मध्य जागरूकता का भी जो कि आवश्यकता है, जागरूकता फैलाना, ताकि उनको भी पता होना चाहिए कि हमको एक संतुलित प्रयोग करना चाहिए फर्टिलाइजर का, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रयोग कर ले, ताकि उनका जो फसल का पैदावार है वो जो कि सही चलता रहे, मिट्टी के जो स्वास्थ्य वो भी सही बरकरार है, उसमें कोई दिक्कत वगैरह ना आए। साथ ही देखो यहाँ पर कहा जाए कि रासायनिक उर्वरकों के जगह पे हमको हरित विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसे यहाँ बोला जाए कि बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देखो जैव उर्वरक से क्या होता है इसका जो देखो लागत भी कम होता है या पर्यावरण के अनुकूल भी होता है और साथ ही इसमें देखो वृद्धि भी जो आपका फसल की पैदावार है वो भी 15 से 25% बढ़ जाती है। तो हमें जो रासायनिक उर्वरकों की जगह पर इस तरह के जो आपका जैव उर्वरक है इनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि ये जो सब्सिडी पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं वो भी कम हो और अच्छी फसल भी हमको प्राप्त हो। और देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूरिया से संबंधित कुछ विशेष मुद्दे हैं, विशिष्ट मुद्दे, जैसे बोला जाए कि यूरिया पर जितना व्यय होता है ना सब्सिडी उर्वरक सब्सिडी का उसका केवल 70% जो कि व्यय किस पर होता है, यूरिया पर होता है, यानी यूरिया पर अत्यधिक जो कि सब्सिडी व्यय होती है हमारी। और देखो आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका
आर्थिक सर्वेक्षण आया था 2015-16 का, उसमें बताया गया कि 24% यूरिया सब्सिडी देखो अकुशल उत्पादकों पर व्यय हो जाती है, यानी कि कहीं और जहां यूरिया की उत्पादन की जरूरत, यूरिया को लगाने की जरूरत थी वहां न लग के कहीं और जो कि यूरिया का प्रयोग हो रहा है। साथ ही बोला गया कि 41% देखो गैर कृषिगत उपयोग कर लिया जाता है, यानी 40% जितना मान लो आपका 100 किलो यूरिया सब्सिडी दी जा रही थी उसमें से देखो 40 किलो यूरिया का प्रयोग कृषि के लिए नहीं हो रहा है, किसी और काम के लिए यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि जो आपका सब्सिडी का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही बोला जा रहा है कि 24% तक यानी जितने यूरिया दी जाती है उसका 24% तो बड़े किसान जो संपन्न किसान है वही उपयोग कर लेते हैं, यानी कि छोटे किसानों के पास बहुत कम जो कि इस तरह की यूरिया वगैरह पहुंचती है इतना सब्सिडी देने के बाद ही। तो ये कुछ यूरिया से संबंधित विशेष मुद्दे यहाँ पर बताए गए, कुछ उपाय बताया जा रहा है कि जो यूरिया आपका फर्टिलाइजर संबंधित कुछ उपाय किए गए। जो देखो इसमें बताया जा रहा है जो आपका यूरिया के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए स्वदेशी स्तर यानी भारत में जो कि यूरिया का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके इसके लिए देखो आपका नई यूरिया नीति 2015 बनाई गई थी, एक नई पॉलिसी यूरिया पॉलिसी नई बनाई गई थी। साथ ही देखो यूरिया का जो एग्रीकल्चर के लिए जो यूरिया का यूज होता है ना उसका यूज कहीं और ना हो, जैसे हमने बोला ना देखा भी कि 41% जो कि यूरिया का यूज जो कि गैर कृषि क्षेत्र में होता है, इसको रोकने के लिए क्या हुआ नीम कोटेड यूरिया लाया गया, यानी यूरिया के ऊपर जो नीम का कोटेड कर दिया गया ताकि इसका उपयोग कहीं और ना हो सके, केवल केवल एग्रीकल्चर में ही यूज हो सके। साथ ही देखो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्कीम भी चलाई गई है जिसमें देखो आपका नाइट्रोजन फास्फेट पोटास सल्फर जिंक आयरन ये जो भी पोषक तत्व है इस आधार पर जो कि किसी कोई खेत है मान लीजिए कोई खेत है इसमें इस यहाँ की मिट्टी को लेकर जांच किया जाएगा और जांच के आधार बताया जाएगा कि यहाँ पे कौन सी उर्वरक की कितनी मात्रा की आवश्यकता है किस फसल के लिए। ठीक है, तो जब आपको एक साइंटिफिक मेथड यहाँ पे एक तरह से मिल रहा है कि आपको कैसे जो कि कृषि करना चाहिए ताकि आपको पैदावार अच्छा हो, मृदा का जो स्वास्थ्य है वो भी बरकरार रहे, उसमें भी गिरावट ना आए, तो इस तरह की चीज़ें के लिए तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लाई गई थी। तो ये कुछ प्रयास है जो किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने जो आपका फर्टिलाइजर वाला जो टॉपिक था काफ़ी डिटेल से देखा।